हरी ओम सभी को। वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए हरा प्याज है, ये आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। ये हमने इतने प्याज निकाल के रख लिए थे आपको दिखाने के लिए। प्याज को हमने धुल के काट के अच्छे से धुल लिया है और इसे साफ करके काट लिया है। चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हरे प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब उसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं, जो तेल यूज करते हैं, वही डालें। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम ये इसमें मेथी और अदरक डाल देंगे, चला देंगे अच्छी तरीके से। ये लहसुन और हरी मिर्च है, इसे भी डाल देंगे और इसे भी चला देंगे अच्छी तरीके से। ये हींग है, अब हम हींग भी डाल देंगे थोड़ा सा। ये हींग इसे भी डाल देंगे और चला देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने डाल दिया है, अब हम इसे चला देंगे। और नमक अभी हम नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा कम हो जाएगा, अभी इसमें पानी छूटेगा, उसके बाद ये थोड़ा और कम हो जाएगा। प्याज को हमने चला लिया है और अब हम इसमें थोड़े प्याज और बचे थे वो भी डाल देंगे, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा डाल दिए थे कि चला लें, जाता है पूरा डाल देते तो चला ना पाते, इसलिए जो प्याज बचा है ये भी हम डाल देंगे, क्योंकि कढ़ाई भर जाती तो फिर हम चला ना पाते ठीक से। प्याज को हमने डाल दिया है, अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे, गैस की फ्लेम लो रहेगी उसी में पकाएंगे। ना हम मीडियम करेंगे ना हाई करेंगे, गैस की फ्लेम लो रहेगी। चलिए देखते हैं क्या हाल है हमारे प्याज का। ये देखिए प्याज हमारा देखिए कम हो गया है। अब इसे चला देंगे अच्छी तरीके से। आप इसमें चाहें तो मसाला भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आलू नहीं डाला है, बिना आलू का बना रहे हैं सिंपल सा सब्जी, प्याज की सब्जी। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आलू भी डाला जाता है, लेकिन हम आलू नहीं डाले हैं। स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी मसाला है, गरम मसाला जो भी हो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाला वाला प्याज की सब्जी नहीं है, ये बस वैसे सिंपल वाला है। ये देखिए कितना पानी है, अभी और भी पानी है इसमें, तो ये पानी जब सोख लेगा तो फिर ये सब्जी और कम हो जाएगी। अब हम इसे ढक देंगे, 10 मिनट और पकाएंगे। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे।
ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, एकदम थोड़ा सा भी पानी नहीं है। देखिए ये देखिए थोड़ा सा भी पानी नहीं है, सारा पानी सोख लिया है और सब्जी अच्छी तरीके से बन गई है। और हमने धीमे आँच पे इसे बनाया है, अच्छी तरीके से गल भी गया है। अब हम इसके ऊपर धनिया की पत्ती डाल देंगे, अगर आप धनिया की पत्ती न डालना चाहें तो न डालें। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सब्जी हमको हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ी धनिया और डाल देंगे। कैसी बनी हमारी सब्जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप ये रेसिपी कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने आलू नहीं डाला है, आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। ये आलू डालकर भी बनता है, मसाला वाला भी बनता है, रसे वाला भी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। हरि ओम सभी को।